बलरामपुर दिनांक 22 जून को त्रिकोलपुर थाना पंचपेड़वा में स्थित 85 बटालियन एसएसबी के कंपनी मुख्यालय में जिला प्रशासन, जनपदीय पुलिस, वन विभाग और एसएसबी के वरिष्ठ अधिकारियों की उपस्थिति में समन्वय बैठक का आयोजन हुआ। शासन के निर्देशों के अनुसार उन सभी महत्वपूर्ण बिंदुओं पर गहन विचार विमर्श किया गया जहां अंतर विभागीय समन्वय की आवश्यकता है। बैठक में कुछ महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए जो निम्नवत हैं। एसएसबी, पुलिस, वन विभाग और राजस्व के अधिकारियों और कर्मचारियों द्वारा प्रत्येक सप्ताह संयुक्त गश्त किया जाएगा। इस संयुक्त गश्त के दौरान सीमा क्षेत्र के महत्वपूर्ण ग्रामों में बैठक करके जनसंवाद स्थापित किया जाएगा। सीमावर्ती क्षेत्रों में लगे सभी बॉर्डर पिलर्स को इसी संयुक्त गश्त के दौरान नियमित रूप से चेक किया जाएगा। एसएसबी और पुलिस द्वारा नियमित रूप से प्रत्येक सप्ताह संयुक्त रूप अलग अलग स्थानों पर पिकेट लगाकर संबंधित वाहनों और संबंधित लोगों की चेकिंग की जाएगी। इंटेलिजेंस कोऑपरेशन और इंटेलिजेंस शेयरिंग के लिए जनपदीय पुलिस द्वारा नियमित रूप से हर माह सभी इंटेलिजेंस एजेंसियों के प्रतिनिधियों की बैठक आयोजित की जाएगी जिसमें महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा होगी। जनपदीय इंटेलिजेंस टीम के समन्वय स्थापित करने के लिए एसएसबी से एक नोडल अधिकारी तैनात करने के लिए अनुरोध किया गया। जनपदीय पुलिस कंट्रोल रूम और एसएसबी के कंट्रोल रूम के बीच समन्वय स्थापित करने के लिए व्यवस्थित प्रक्रिया प्रारंभ की जाएगी। सीमावर्ती क्षेत्रों में मटर, वन उपज आदि की तस्करी में संबंधित लोगों की चिन्हित करके प्रशासन, पुलिस, वन विभाग और एसएसबी द्वारा विशेष अभियान चलाया जाएगा। कुछ प्रक्रियागत रुकावटों को भी दूर किया जाएगा। बैठक में जिलाधिकारी बलरामपुर कृष्ण करुणेश, पुलिस अधीक्षक बलरामपुर देवरंजन, जिला वन अधिकारी रजनीकांत, 85 बटालियन एसएसबी कमांडर और आर के श्रीवास्तव, एसडीएम तुलसीपुर विनोद कुमार सिंह, सीओ तुलसीपीर शिव प्रसाद और अन्य अधिकारी उपस्थित थे। और एसएसबी भी है और इसी प्रकार से अगर वीकली भले ही 2 घंटे का हमारा ज्वाइंट चेकिंग करके अगर कहीं पर बन जाए आप सेट कर दीजिए प्रोग्राम, क्योंकि आपको ज़्यादा पता है कि स्ट्रैटेजिकली कौन सी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। वहाँ पर फिर इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी कि ये रोड सर वहाँ से ड्यूटी लग जाएगी तो कम से कम ज्वाइंट चेकिंग के हमारे लिए फिर ऑफर। हाँ, बात हो रही है, इसका मेन फोकस ये है कि इंडो नेपाल बॉर्डर पे किसी तरह की कोई समस्या ऐसी ना आने पाए जो कि एक इंटरनेशनल इशू हो जाए। छोटा मोटा इशू ठीक है कि जो वहाँ के नागरिक आ रहे हैं या जा रहे हैं या कोई कंट्री से पकड़ा गया है, लेकिन कोई ऐसी चीज जिसकी वजह से बॉर्डर की फीस इंटरनेशनल लेवल पे हाईलाइट हो, वहाँ कुछ प्रॉब्लम हो, तो वो चीज़ अगर कोई आती है तो उसके बारे में कम से कम हम लोग इशू के साथ मिलकर के काम करें। तो इसमें एक चीज अभी तो एक काम तो कुछ चीज़ें तो हम लोग यही इसमें कर सकते हैं कि जो हम लोग की पेट्रोलिंग है, जैसे इसमें आगे चार पॉइंट है भी ज्वाइंट पेट्रोलिंग का एक पॉइंट आया भी है, ज्वाइंट पेट्रोलिंग विद अप्रोप्रिएट एट अप्रोप्रिएट इंटरवल पुलिस एंड फॉरेस्ट पर्सन मस्ट बी कंडक्टेड, ये सेकेंड पॉइंट है।